जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत 11 दिन पहले खड़खड़ी के संदीप त्यागी को घायल कर हुई लूटपाट की गुत्थी को हापुड़ देहात पुलिस ने सुलझाते हुए तीन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से मजरूब संदीप त्यागी का आधार कार्ड, बैंक चेक, घटना में इस्तेमाल खुकरी, चाकू, दो मोबाइल, बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है। देखिए, आज से लगभग 11 दिन पूर्व में एक घटना घटी थी, जिसमें जो वादी हैं संदीप त्यागी, ये नोएडा में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। ये अपने काम से नोएडा से लौट करके हापुड़ देहात स्थित अपने घर जा रहे थे, तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए दो उस समय अज्ञात व्यक्ति आए और उनके रास्ते को रोक करके उनके हाथ पे खुकरी से वार किया गया, जिससे उनके हाथों में गंभीर चोट भी आ गई थी। जान लेने के इरादे से वार किए गए थे और साथ ही साथ वहाँ पे उनके पास मौजूद उनका पर्स और कुछ लगभग 10,000 रुपये वह मौके से लेकर के फरार हो गए थे। ये घटना टोटली ब्लाइंड थी, कोई इसमें क्लू नहीं थे। हमारी स्वॉट टीम द्वारा इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस पूरी घटना का अनावरण 11 दिन के अंदर अंदर किया गया है और इसमें तीन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति सौरभ हैं, सौरभ बिदूरी हैं, ये गुलावटी जनपद बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दूसरा प्रिंस चावड़ा, ये भी गुलावटी बुलंदशहर के रहने वाला है। रोहित पाल भी गुलावटी बुलंदशहर का रहने वाला है। इन तीनों ने पूछताछ में बताया कि जो रोहित पाल नाम का व्यक्ति है, वो इस कंपनी में इलेक्ट्रीशियन था, जहाँ ये पैसे वादी जो है वो आकर के सबकी सैलरी या पैसे देते थे। और इन्होंने ही सौरभ और प्रिंस को ये जानकारी दी थी कि जो वादी हैं संदीप त्यागी, इनके पास अच्छे खासे अमाउंट में पैसे रहते हैं, लगभग 4 से 5 लाख रुपये, जिसको ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देते हैं। यदि हम इनसे पैसे छीन लें, लूट लें, तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसी को इन्होंने ध्यान में रखते हुए पूरी लूट कारित करी थी। हमारी स्वॉट टीम ने एक एक सीसीटीवी कैमरे का पीछा करते हुए सभी अभियुक्तों को अरेस्ट करवाया है और साथ ही साथ जो लूटा हुआ सामान है, जिसमें लगभग 4,500 रुपये, दो मोबाइल फ़ोन हैं और जो इनकी बाइक इन्होंने इस्तेमाल करी और जिस खुकरी से उन्होंने हमला किया था, वो सभी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक हापुड़ अभिषेक वर्मा ने बताया कि 11 दिन पहले थाना हापुड़ देहात के अंतर्गत खड़खड़ी के संदीप त्यागी को बदमाशों ने घायल कर लूटपाट की। इस सिलसिले में थाना हापुड़ देहात पुलिस ने जनपद बुलंदशहर के थाना गुलावटी के गांव असावर के सौरभ विधुरी, रोहित पाल, गांव समकौली का प्रिंस चावड़ा को धर दबोचा। लूटपाट की घटना को अंजाम देने का मास्टरमाइंड सौरभ विधुरी है। रोहित पाल उसकी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्य था, जिसमें संदीप त्यागी कार्य करता था। पकड़े गए तीनों बदमाशों ने मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सौरभ विधुरी ने पूछताछ के दौरान बताया कि नगरपालिका गुलावटी के बड़े बाबू के घर भी लूटपाट करने का उनका लक्ष्य था, जो विफल हो गया।